नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अम्बा प्रभारी अम्बा ने बताया कि आज दिनांक लगभग 12 बजे चौक बारिंग का पुरा थरा निवासी प्रदीप तोमर ने थाना अम्बा उपस्थित होकर बताया कि वो अपनी भाभी आशिकी तोमर को फावड़ा मारकर मरणासन्न अवस्था में घर का दरवाजा बंद करके आया हूँ। प्रदीप नशे की हालत में था। जब हमने इस बात की तस्दीक की तो चौक बारिंग का पूरा जाकर घायल महिला को अम्बा अस्पताल लाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार देकर डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी मिली है कि घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर महिला को मृत घोषित कर दिया है। आरोपी प्रदीप तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में थाने अम्बा में रखा गया है। सर, एक चौपान के पुरा में महिला की हत्या कर दी गई है। चौक बारिंग के पुरा में सूचना आई थी, आरोपी प्रदीप तोमर है, जो उससे वहाँ के थाने पर बताया कि मैंने अपनी भाभी को फावड़े से चोट पहुँचाकर मरणासन्न अवस्था में कमरे में बंद कर रख के आया हूँ। इसकी सूचना पर तस्दीक की और तस्दीक करने के बाद में हमने उस प्रथम सूचना दर्ज की और महिला को उपचार कराकर सिविल हॉस्पिटल मरैना में रेफर कर दिया है, जहाँ उसका उपचार हो रहा है। सूचना मिली है कि उसकी अभी मृत्यु हो गई है। आरोपी हमारे अभिरक्षा में है, इससे पूछताछ की जा रही है। महिला की माँ के पक्ष के द्वारा FIR या कुछ कायम नहीं, वो स्वयं आकर उसने सूचना दी थी और अपना अपराध कबूल किया था। उसी आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया और आगे की विवेचना कर रहे हैं। अम्बा से खबर समय जगत के लिए ओमकार गुर्जर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।